ये हिट एंड रन का है मामला, कि उसके चाहने वाले भी बहुत है। अगस्त्य भाई का नाम रहेगा, अगस्त्य भाई का नाम रहेगा। ये है 360 रिकवर हो चुका है, और जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज नॉट द रैश ड्राइविंग, ये हिट एंड रन केस का मामला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, होप करता हूँ सारे भाई मस्त होंगे। सो गाइस, आपको पता है गाइस, आज से गाइस 5 या 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी गाइस, जो प्रो राइडर 1000 की जो बुआ जी ने जो भी भाई लैंग्वेज बोली थी वो सबकी गाइस मैंने वीडियो डाली थी। सो गाइस, उसके ऊपर मेरी स्ट्राइक वार्निंग आ चुकी थी गाइस चैनल पर। तो गाइस भाई इसमें भाई मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा था। तो सो गाइस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यूज वगैरह के लिए तुम ये लोग वीडियो डाल रहे हो, और लाइक्स और सब्सक्राइबर वगैरह के लिए वीडियो डाल रहे हो। गाइस भाई, हम भाई एक राइडर हैं, और एक राइडर का सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और मैंने देखा भाई आजकल यूट्यूब पर उठाकर गाइस बहुत सारे टेक चैनल वाले और गाइस गेमिंग चैनल वाले, प्रैंक चैनल वाले गाइस सब लोग प्रो राइडर की वीडियो डाल रहे हैं। गाइस हम राइडर होते हुए भी भाई वीडियो नहीं डालें तो क्या करें, ये बताओ। गाइज हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें व्यूज चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जस्टिस भाई मिलना चाहिए, जस्टिस तो ज़रूरी है भाई। ऐसे तो भाई मर के चले जाएंगे लोग, भाई प्रो राइडर भाई कोई छोटा इंसान तो था नहीं, आप भी जानते हो इस बात को। सो गाइज मैंने उनकी बुआ जी की वीडियो डाली थी, उस पर गाइज स्ट्राइक वार्निंग आ चुकी, तो उसका काफ़ी दुख है गाइज मुझे, क्योंकि गाइज मेरी फर्स्ट स्ट्राइक वार्निंग आ चुकी चैनल पर। तो गाइज क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज उनके पिताजी की एक वीडियो अभी आई हुई है मेरे पास, उनके पिताजी गाइज कितना इमोशनल है आप एक बार चेक कीजिए गाइज। और उन्होंने बताया कि 360 कैमरा मिल चुका है। सो गाइज मैं आपको वीडियो देखूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ। जो भी राइडर्स आना चाहेंगे, सेफ्टी गैजेट प्रॉपर तरीके से, हमारे साथ 2-4 बड़ी SUVs भी जाएंगी। हम ही देहरादून से स्टार्ट करेंगे, 10-12 दिन का टूर रहेगा। जो जो आना चाहें विद फैमिली परमिशन वो हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि रस्ते में अभी जस्ट दिल्ली से लौट के फिर लद्दाख जाना था, तो आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स जो उसने छोड़ दी। उसकी BMW S1000 आ रहा, मैं कल भी ला सकता हूँ, लेकिन वो उसके बर्थडे के दिन लाऊंगा चंडीगढ़ से, उसमें मैं आपको अपडेट करूँगा। फिर उसके क्या प्लान्स थे वो धीरे धीरे मैं आपको यूट्यूब के जरिए बताऊंगा। एंड जून में हमारा फर्स्ट फोकस ये कि उसकी रैप्टर ठीक हो जाए, और जल्द से जल्द अगर हम लद्दाख का टूर पैकेज उसमें बनाएंगे, तो जो जो हमारे साथ लद्दाख टूर पर चलना चाहेंगे विद फैमिली परमिशन वो आ सकते हैं। पूरा स्टीकर एंड एवरीथिंग विल बी देयर। और ये रैली मैं अपने नहीं करूँगा, कई बार लद्दाख जा सकता हूँ 4-व्हीलर में भी, बाइक में भी, लेकिन उसको जाना था तो मैं उसकी रैप्टर जितने ही जाना चाहूँगा। हर हर साइड पे जहाँ पर मैं बेसिकली इंजॉय करता था, अपने बेटे को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जून में आप लोग रेडी रहें, जो जो हमारे साथ चल सकते हैं दे आर वेलकम, थैंक यू। और आप लोगों ने आज ये जो रैली निकाली है उसको याद करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज वो बहुत खुश होगा कि उसके चाहने वाले भी बहुत है। हम भी आपके बच्चे हैं अंकल, हम भी आपके बच्चे हैं। खुशी आंसू है, बहादुर हो पा प्लीज अंकल, ये खुशी के आंसू है ना। वो देखता है इतनी भीड़, उसको यही चाहिए थी भीड़, लेकिन कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। आप लोग इस गर्मी में आए, मुझे पता है बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप बोलोगे नहीं क्योंकि आप सच्चे दिल से उसे प्यार करते हो। आज एक सब्सक्राइबर आया बैंगलोर से, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ। वो बैंगलोर से आया 8-9 तारीख को, वो देहरादून ISBT पे उतरा, उसने वहाँ कंफर्मेशन किया प्रो राइडर 1000 का आ रहा था, तो लोकल ने उसे गाइड किया चकुरता,
उसको टैक्सी वाले चकुरता ले गए यहाँ से 90 किलोमीटर दूर। उसके बाद उसको एक दिन वहीं रखा, वो 90 किलोमीटर फिर वापस आया, उसका फोन भी चोरी हो गया। फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट करी, तब जाके उसे हमारे घर का एड्रेस पता लगा। तो देखो हमारे टैक्सी वाले भी क्या करते हैं बेचारे, उसका फोन भी चोर लिया, वो बैंगलोर से स्पेशल आया था मिलने, उसको चकुरता ले गए यहाँ से 90 किलोमीटर दूर। फिर वो घर पे आया बड़ी मुश्किल से बैठा, काफी देर बातचीत हुई एंड उसकी फ्लाइट भी थी, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा जल्दी करें, फिर वो वापस गया। जो ये प्यार ही है जो इतने दूर दूर से वो लेके आ रहे हैं नजदीक हमारे बीच में भी। अंकल बताए नोएडा से भी आए लोग, सोलन से भी आए, मेरे को पता है हिमाचल, मैं बात ये देखो हमारे हिमाचल से भी आए हुए हैं, हर जगह ये हमारे चौंसार के हैं आज। हाँ जी अंकल, ये फॉलो करते हैं, सभी करते हैं। मैं बेसिकली नाम जैसे हारून में इनको नाम याद रखा है। अंकल ऐसी राइड दोबारा कब होगी, क्योंकि होनी चाहिए ये होनी चाहिए। देखिए देखिए हमें पुलिस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि रश हो जाता है। अगर आप प्रॉपर गैजेट कंप्लीट पेपर है तो कोई पुलिस वाला नहीं हो, चाहे आप भीड़ में जाए चाहे किसमें भी जाए। हार्डली उसकी रैप्टर ठीक हो जाए तो कल परसों की रिलीज हो जाएगी वहाँ से, जैसे वो रिलीज होगी शोरूम आ जाएगी, लेकिन उन्होंने काम मैं इसको रेडी कर देंगे। गाड़ी में ज़्यादा नुकसान नहीं है, फुट रेस्ट एग्जॉस्ट टायर हैंडल टूटा है, फेयरिंग टूटी है और कुछ, वो तो लाएंगे और लगा देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि गाड़ी ने तैयार होते ही लद्दाख के लिए रन करना है। और पहले तो खुद ले जा रहा था, वो चाहता था कि मैं ही ले जाऊं, और मेरे को ही ले जानी पड़ी। साथ में हमारी दो तीन थार एंड एसयूवीज भी जाएंगी, तो आप यू डोंट हैव टू वरी। और जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो भी हमारे को हेल्प करने के लिए, उनकी मेरे को कॉल आ गई थी कि जहाँ जहाँ वो सुविधा हमारे लिए रुकने के लिए कर सकते हैं रुकेंगे। वी कैन यूज 5-star ऑल्सो, लेकिन हम वहाँ रुकेंगे जो लोग गरीब लोग हैं वहाँ रास्ते में, जो छोटे छोटे उनके टेंट होते हैं हम उस पर रुकेंगे, ताकि उनकी भी अर्निंग हो अगस्त के थ्रू। मेन चीज ये है बेसिकली, अपने को तो हम वी कैन यूज लेविश कोई भी, लेकिन सिंपल बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो, सेफ्टी से गाड़ी चलाओ। और जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज नॉट द रैश ड्राइविंग, ये हिट एंड रन केस का मामला है जो, हाँ ये हिट एंड रन का है मामला, इसमें फुटेज वगैरह कुछ वो हुई है। और अभी तीन हो सकता हो चौथा जो आप 360 के बारे में कह रहे हो, वो शायद मेरे को लगता है वो भी रिकवर हो गया है, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आई है पुलिस वालों से, वो भी रिकवर हो गया है 360 वो रिकवर कर लिया पुलिस वालों ने। वो कैसे रिकवर किया मैं शाम की यूट्यूब में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ मना किया था इसको डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन मैं शाम को जब ओपन है तो बताने में कोई हेल्प, तो मैं बताऊंगा कैसे मिला, वो सज्जन कौन थे, उन्होंने क्या लेटर भेजा, कौन से कोरियर के थ्रू पहुंचा, वो सारी डिटेल है। हाँ उसका कहना भी है, उसका लेटर भी है मेरे पास, उसका कहना ये है जब एक्सीडेंट हुआ दो राइडर एक साथ चल रहे थे, दैट इज द मेन पॉइंट, तो विटनेस भी है। और जो आप देख रहे हैं ऑटो में वगैरह बंदा में है वो कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक लेडीज और एक जेंट्स थे जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। और सज्जन ने कैसे क्या करके कई दिनों से यूट्यूब से एड्रेस ढूंढ के उसने क्या चीज़ भिजवाई है, कैसे वो पहुंची है, मैं आपको शाम के यूट्यूब चैनल में पूरा डिटेल दूंगा। फिर मैं उस बॉक्स को भी दिखाऊंगा जो शाम को आएंगे, मैं आपको अब शो यू एवरी ठीक है। लेकिन अब ये है 360 रिकवर हो चुका है, 360 रिकवर हो चुका है। इतना मैं आपको बता दूं कि 360 रिकवर हो गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे ये ले गया वो ले गया, किसी सज्जन के पास था। और देखो आज भी इंसानियत है, सज्जन ने कई दिनों से, और उसने यही था कि मेरे को YouTube के माध्यम से आप ये बता कि मैं आपके पास पहुंच गया है, तो मेरे को ऐसा लगा वो अच्छे हाथों में, क्योंकि बहुत सज्जन व्यक्ति है जो, उनका नाम मैं बता दूँ आपको भी, उनका नाम है राधेश राधे शर्मा उनका नाम है, लेकिन नंबर उनका मिट चुका था कुरियर के कई हाथ में थे। देखो मैं शाम को मैं डिटेल बताऊँगा, जो शाम को 9-10 बजे मेरे से भी डिटेल लेंगे तो मैं आप लोग को भी दे दूँगा। तो गाइज आपने प्रो राइडर भाई के पिताजी को देखा हो, भाई कितना इमोशनल थे, और गाइज एक बेटे को जाने का तो उसके पिता पर क्या बीतती है वो तो भाई इस वीडियो में दिख ही रहा है गाइज। और 360 रिकवर हो चुका है बता रहे हैं अंकल, मैं ये नहीं कहता कि मैं राइडर हूँ गाइज, ये सारे लोग जितने भी हैं ना गाइज, भाई ये बोल रहे हैं ना कि भाई तुम सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए सब कर रहे हो, भाई कोई नहीं करता यार ये भाई, वो बहुत ही कम बंदे होते हैं गाइस जो ये सब करते हैं ना
गाइज ये अब मैं ये क्या ही बोलूंगा इसे, रहने दो इनके बारे में। गाइज हम एक राइडर हैं तो राइडर को जस्टिस दिलवाना बनता है बिल्कुल। और बाकी आप जो भी सोचो, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब मिले या फिर व्यूज मिले, ऐसा कुछ नहीं है। गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।